निकल पड़े लेह से। और आज की हमारी डेस्टिनेशन कहाँ तक की होगी ये हम आपको धीरे स्लोली स्लोली बताते रहेंगे। अभी तो हम जा रहे हैं शांति स्तूपा। अभी हम लोग शांति स्तूपा जा रहे हैं और ये है लेह का मार्केट। हमने मार्केट के बिल्कुल पास में ही होटल लिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। सो अभी हम लोग लेह में हैं और ये है लेह का मेन मार्केट। कल रात को हम यहीं पर हम लोग वॉक कर रहे थे। बहुत खूबसूरत मार्केट है और सारे यहाँ पर दिल्ली NCR के लोग ही थे, तो ऐसे लग रहा था हम दिल्ली में ही हैं। तो ये टॉप में किंग्स पैलेस है। कल हम लोग यहाँ गए थे, नीचे से ऐसे लगता बिल्कुल यहीं पर है, लेकिन चलते चलते हालत ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा भीड़ आई हो रही थी। यहाँ पर बहुत सारे होटल, होम स्टे, रेस्टोरेंट और बहुत ही अच्छा है यहाँ अंदर। ये सामने देखिए होटल, यहाँ सब जगह बहुत अच्छे अच्छे होटल बने। वो हमको फर्स्ट होटल मिल गया था और इसलिए हमने वो ही ले लिया। अदरवाइज यहाँ अंदर आते तो यहाँ पर और अच्छे अच्छे होटल और होम स्टे। वैसे तो हमारा होटल तो बेस्ट था, बट यहाँ पर होम स्टे भी है और यहाँ पर हॉस्टल भी मिलते हैं ना। यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ है और पेड़ों के पीछे से बहुत अच्छे अच्छे होटल और होम स्टे बने हुए हैं। और शांति स्तूप यहाँ से, शांति स्तूप है ये रहा बिल्कुल टॉप में। यहाँ से रास्ता है अंदर जाने का और पीछे के माउंटेन ऐसे है, नेकेड माउंटेन। पहुंच गए जी। पार्किंग नीचे है क्या? पार्किंग ये है ना नीचे। अच्छा, ये नीचे भी था, नीचे तब रहती होगी जब बहुत भीड़ रहती होगी, अदरवाइज तो पार्किंग नहीं। तो अभी हम लोग शांति स्तूपा पहुंच गए और ये पीछे, ये मेरे पीछे यहाँ पर पार्किंग है और यहाँ पर देखिए लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं जिमनी में। जम्मू कश्मीर की जिमनी है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। यहाँ से बैक साइड का व्यू कुछ ऐसा है। हमारा 30 रुपीज पर पर्सन टिकट है और सामने की साइड का व्यू कुछ ऐसा है। बहुत साफ सुथरा है भाई यहाँ पर, बहुत क्लीनिंग है और बहुत अच्छा है। बौद्ध धर्म में क्लॉकवाइज सिस्टम होता है, तो यहाँ पर भी लिखा है गो क्लॉकवाइज और लिखा है यहाँ पर शांति, प्लीज कीप क्वाइट। तो शायद यहाँ पर ज़्यादा बातचीत नहीं करनी होगी। आई गेस इधर से जाना है क्लॉकवाइज। और यहाँ से ऊपर पूरा राउंड दिखा रहा हूं।
अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस। यहाँ पर लोग बेसिकली आके मेडिटेशन करते हैं। इतना खूबसूरत है यहाँ पर, बहुत पीस है। और फाइनली हम नीचे पहुंच गए। सामने मेरे ब्रो बैठे हुए, बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए। पीछे आप देख सकते हैं शांति स्तूप है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और मेडिटेशन वगैरह करते हैं। बहुत रिलीजन में मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। और हम लोग सामने से आए थे और अब हम लोगों को फिर से वापस जाना है। यहाँ पर काफ़ी सारे मोनेस्ट्री और इस टाइप के बने हुए। तो यहाँ से ठीक सामने किंग पैलेस दिख रहा और उसके ऊपर भी एक मोनेस्ट्री बनी हुई है। तो हम लोग किंग पैलेस गए थे कल और यहाँ से भी सारा व्यू दिखता है। मतलब इस ये शांति स्तूप बहुत टॉप में, तो यहाँ से पूरा लद्दाख दिखता, लेह सिटी दिखती है। तो यहाँ पर ब्रीथ की भी प्रॉब्लम रहती है, बहुत तेज़ ब्रीथ, अपने आप ही ब्रीथ इतनी हाई हो जाती है। थोड़ा सा वॉक करो तो बहुत प्रॉब्लम रहती है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है, पार्किंग में भी आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, शायद परमिशन लेनी होती होगी। पार्किंग तो फ्री है लेकिन एंट्री फीस 30 रुपीज़ पर पर्सन है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छा है, अगर कोई अपनी कार में रहना चाहे तो यहाँ पर रह सकता है। तो जी निकल पड़े शांति स्तूपा से खारदुंगला के लिए। तो ये है वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट, 12,067 फीट की हाइट पर है खारदुंगला रोड ले। तो अभी हम लोग हैं नूबरा वैली में और यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट और परमिट चेक होते हैं। यहाँ पर परमिट का बना हुआ, मेरे ब्रो परमिट चेक करके आ गए। यहाँ पर रिस्पेक्ट तो है भाई, उत्तराखंड नंबर देख के ना, जो दिल्ली या HR के नंबर है उनके साथ लोगों की बहुत टसन चलती है, बट उत्तराखंड तो उत्तराखंड ठहरा। ये कितने खूबसूरत खेत हैं और यही पर ग्रीनरी है और इसके ऊपर देखे फिर सेम नेकेड माउंटेन है। और ये लोग भी हम साथ साथ ही चल रहे, ये भी दिल्ली के हैं। तो दिल्ली में हमारे घर के पास की, दिल्ली में हमारे घर, मतलब जिस मोहल्ले में हम रहते उधर ही रहते और साथ ही आए थे रास्ते से, आधे रास्ते से। लेकिन ये फिर हमसे अलग हो गए क्योंकि यहाँ पर सिग्नल नहीं मिलता ना, तो फोन नंबर हम कॉल ही नहीं कर पाए एक दूसरे को। लकली हम लोग अगल बगल ही ठहरे हुए थे तो अभी फिर से मिल गए। तो इस रूट पर काम भी चल रहे, इस वजह से यहाँ बहुत ज्यादा डस्ट उड़ रही है। काम वाले आ भी गए और वेरी स्ट्रेंज, ये लोग देखो यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं और यहाँ पर इतनी हाई एल्टीट्यूड में पता नहीं कैसे काम करते होंगे, है ना? क्योंकि जैसे बाहर निकलो ना तो आपको ऐसे लग रहे कि आपकी अंदर के सारा माल बाहर आ जाएगा। ऐसे हमने कुछ खाया नहीं, चाय पी थी तो वो तो गिरेगी बाहर। ग्रेवल मोड पर आ गई है। वो तो सिरमन ने बोले नहीं क्या होता है, तुम एक ट्रांसपोर्ट वाले के साथ चल रहे हो ना तो थोड़ा रिलेशन वैसे बन जाते हैं। हाँ। बस
क्योंकि उसने उनको घुमाया घुमाया भी सब जगह। हाँ नहीं तो यहाँ पर अगर आप लोकल व्हीकल कोई करते हैं ना तो बहुत एक्सपेंसिव चार्ज लेते। कल उसने हमको 3000 कहा, प्लस मतलब विंडो ओपन करनी पड़ेगी और हमारी गाड़ी में एसी नहीं चलती है और मैं हर जगह आपको नहीं ले जाऊँगा, सिर्फ यहीं पर आपको दिखाऊँगा और नीचे लेकर आऊँगा। तो हमने डिसाइड किया कि कल यानी आज मॉर्निंग में हम लोग खुद ही से आएंगे। अदरवाइज पहले हमारा प्लान था कि एक गाड़ी को हायर करेंगे और फिर उसमें अच्छे से ट्रैवल करेंगे, पर ऐसा है नहीं यहाँ पर। तो पूरी ग्रेवल वाले रोड है और हमारे आगे से मिलिट्री वाले चल रहे हैं। सामने का व्यू कुछ ऐसा है, टॉप में काराकोरम की माउंटेन है, स्नो से फुल्ली कवर्ड है और यहाँ आगे के माउंटेन कुछ ऐसे है। तो यहाँ पर वन बाय वन चल रही सारी गाड़ियाँ क्योंकि यहाँ पर काम चल रहे और हम लोग बहुत डाउन से काफ़ी अप आ गए। नीचे की रोड ये रही और अभी हमें और ऊपर जाना है सबसे टॉप में। अभी हम लोग साउथ पोल पर हैं, साउथ पोल ही लिखा है आई गेस, और यहाँ पर फिर से पुलिस चेक पोस्ट है और मेरे ब्रो चले गए अपने परमिट और डॉक्यूमेंट को चेक करने। तो इस जगह का नाम था साउथ पुल्लू और यहाँ पर आपका परमिट चेक होता है और सारे डॉक्यूमेंट देखते हैं, आपका लाइसेंस परमिट, और उसके बाद ही आपको आगे जाने देते हैं। अब इतने सारे लोग होंगे, डॉक्यूमेंट चेक कर रहे, साथ में अब पुलिस व्हीकल भी है, मिलिट्री की व्हीकल्स भी खड़ी है। अभी हमको यहाँ से सामने की तरफ जाने और वहाँ से और टॉप में जाना है, ऊपर के माउंटेन को जैसे स्नो देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो भाई अब गाड़ी के हॉर्न खराब हो जाते, मतलब नीचे ले में तो सही से चल रहा था, यहाँ पर जैसे हाई एल्टीट्यूड में आए तो टू टू कर रहा है। सामने के व्यू कुछ ऐसे दिख रहे, वहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है, लोग फोटो खींच रहे, लेकिन गाड़ी से भी अच्छे व्यू दिख रहे। यहाँ से नीचे की वैली इतनी अच्छी दिख रही है, दोनों साइड स्नो है और बीच से एक छोटी सी रिवर बह रही है। ये है।
तो फाइनली जी हम लोग पहुंच गए खारदुंगला टॉप, हमारी सेल्टॉस पहुंच गई। और यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए हैं, लोग फोटो खींच रहे हैं। ये देखे जी फाइनली पहुंच गए। चलो स्नो में चलेंगे थोड़ा। वाओ यहाँ से सारे लोग ऊपर चल रहे, थोड़ा मैं भी चलती हूँ। और यहाँ से इस साइड की वैली कुछ ऐसे। फाइनली जी खारदुंगला टॉप पर पहुंच गए। और यहाँ पर बहुत तेज ब्रीज हो रही है, हेडेक भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। आगे से मेरे ब्रो फोटोग्राफी कर रहे। अभी हम लोग खारदुंगला टॉप पर है और यहाँ से पीछे का व्यू देखिए,